से हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राजीव जोशी। इतना तो आप समझ गए होंगे, मेरे इस वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा और इसका जो थंबनेल है वो भी आपने पढ़ा होगा। तो क्लियर सी बात है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आज इस वीडियो में आपके लिए क्या लेके आया हूँ। और ये भी अच्छा लग रहा होगा आपको कि यार ये अच्छा है, सही है कि हम अपने घर पे बैठे बैठे ही यहाँ ऑनलाइन, आई मीन मतलब व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज़ मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे। और यूट्यूब पे जाके आप कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने क्वेरीज छोड़ सकते हैं वहाँ पे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। मेरा जो ये चैनल है इंग्लिश प्लेनेट करके, जो जिस पे अभी आप ये सब देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए अब हम काम की बात करते हैं। एक्चुअली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एवरी थिंग इज़ बींग ग्लोबलाइज टूडे और टुमारो यू हैव टू मूव फॉर अब्रॉड और इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया यू हैव टू गो ओवर देयर टू डू सम जॉब और वट एवर यू आर जस्ट डूइंग योर बिजनेस। इफ़ यू आर अ शॉपकीपर इवन यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू आर अ रिक्शा पुलर यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ स्टाइल में। एक्चुअली इफ़ यू आर जस्ट गोइंग एन अ प्रेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू विल हैव टू इम्प्रेसिव विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम व्हेन द एचआर इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू, बिकॉज दे प्रोवाइड यू हैंडसम सैलरी पैकेज, कैब फैसिलिटी, सो दे वन अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन एंड लैंग्वेज इज ऑलवेज द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, सो जस्ट मेक इट फॉर यू। हम शुरू करते हैं आज आपके लिए इस श्रृंखला का ये पहला चैप्टर है मेरा, जिसमें मैं देख लेता हूँ कि आपकी इंग्लिश अब तक कैसी है, आप कितने पानी में, और आप खुद भी देख लीजिए, मैं तो देखूँगा ही देखूँगा, आप खुद पहले देखिए कि आपकी इंग्लिश कैसी है और इंग्लिश की क्या ज़रूरत है सीखने की। ये आपको पहले कई बार ऐसा लगा होगा, आप शेयर कर सकते हैं वहाँ कमेंट में, शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं कि कब आपको लगा पहली बार कि यार मुझे लाइफ में इंग्लिश नहीं आती, काश आती होती तो मज़ा आ जाता। मतलब कभी यू नो कि कभी आपको किसी ने हर्ट कर दिया हो बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश, है ना, तो वो आप मुझे शेयर करेंगे। और इंग्लिश कोई हवा नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, मैं आपके साथ हूँ। इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश चुटकियों में आ जाएगी आपको, मेरा वादा है। मैं एक टेस्ट यहाँ पर है मेरे पास, ये मेरा राइटिंग थोड़ा सा ये हिंदी में इस तरह का है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, मैं बोल भी देता हूँ एक बार। ये मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आप खुद अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो और चेक करो कि वेयर यू स्टैंड। तुम्हारा यहाँ रुकने के बजाय निकल जाना बेहतर रहेगा, फर्स्ट सेंटेंस इज दैट, तुम्हारा यहाँ रुकने के बजाय निकल जाना बेहतर रहेगा। एंड सेकंड इज श्याम मेरी कार चलाया करता था। थर्ड वन इज काश तुम एक राजा होते तो पूरी दुनिया पर राज करते। चौथा ना तो वो पढ़ता है और ना मुझे पढ़ने देता है। ये टेस्ट है, इसको मैं अगली सीरीज में आपको सॉल्व भी करके दूंगा कि ये ठीक ठीक कैसे बनेंगे, तब तक आप इन पे अपना काम कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बना के भेज सकते हैं कि हमने ये बनाए हैं सर, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के बजाय तो आप वहीं कमेंट करें वीडियो के नीचे, तो ज़्यादा ईजी रहेगा, वहाँ वो कंसर्न भी रहेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। देखो इंग्लिश हम क्यों सोचते हैं कि हमें नहीं आएगी, एक छोटे बच्चे को देखा है, वो जब तक स्कूल भी नहीं जाता उसको ग्रामर का कोई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ग्रामर क्या है, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं जो हमारी मदर टंग है, या जो विदेशों में बच्चे होते हैं अमेरिका में, कनाडा में, हैं लंदन में, तो वो आपको क्या लगता है उनको वहाँ की ग्रामर और वो सब उससे सिखा दिया जाता है। जब बच्चा 5 साल का 4 साल का होता है तो वो बोलने लगता है ना, जो भी नॉर्मल जनरल सी बातें हैं वो बोलता है, वो कैसे बोलता है। देर आर टू बेस्ट वेज टू लर्न, एक तो है कानों से सुनो, दूसरा आँखों से देखो। विजुलाइज जब कोई चीज़ होती है तो वो जल्दी सीखते हैं हम,
ऐसा बताया जाता है। तो जो बच्चा है वो देखता है, एक्सप्रेशंस देखता है लोगों के, यार कौन सी बात कहते हुए इसका क्या एक्सप्रेशन था, और उसके बाद रिजल्ट में उस व्यक्ति ने उसके ऐसा कहने पर क्या किया, तो उसको समझ में आ जाता है कि इस बात का ये मतलब है। वैसे ही हमारे समाज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, देखा है, कभी वो किताबें नहीं पढ़ पाते लेकिन हिंदी उनकी शैली, आप प्रभावित हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि उन्होंने एक्सप्रेशंस को पकड़ा। तो आप एक्सप्रेशंस को पकड़ें, मूवीज़ देखें इंग्लिश की, न्यूज़पेपर पढ़ें, ये तो हो गई एक चीज़। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ भी आप यहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? वहाँ कमेंट छोड़ सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और व्हाट्सएप पे भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि यार इस पे वीडियो पे हमें अभी मतलब पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो दे कैन ज्वाइन मी हियर इन माय एकेडमी। तो शुरू करें, आप सब तैयार हैं? ओके। देखो सबसे पहली चीज़ होती है इंग्लिश में टेंस, काल कितने होते हैं आप सब जानते हैं। छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, और आपको लगेगा कि हाँ यार बंदे ने बिल्कुल सही शुरुआत की है। कितने होते हैं टेंस? तीन होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबको पता है प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान, पास्ट क्या होता है, भूत, और फ्यूचर क्या होता है, भविष्यकाल। अब इनके भी फिर चार चार पार्ट्स होते हैं, ये आपने खूब सुना होगा। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। ऐसी ऐसी टिप्स आपको आने वाली जो हमारे सीरीज के आने वाले चैप्टर्स होंगे उनमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे कि इंग्लिश कैसे बोल पड़े आप। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब इनके भी फिर पार्ट्स होते हैं, इनके पार्ट्स भी होते हैं, वो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जो जानते हैं वो बस यूं ही साथ जुड़े रहें, आगे आने वाले टाइम में उनके लायक मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका हम प्रेजेंट कर लेते हैं सबसे पहले, इनडेफिनिट। दूसरा परफेक्ट, तीसरा कंटिन्यूस, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में, उसकी स्पेलिंग होती है CONTINUOUS। ओके, तो ये हमारे चार पार्ट हो गए, ऐसे ही ये पास्ट के चार होंगे और फ्यूचर के भी चार होंगे। अब हम बात करते हैं आज इनडेफिनिट की। इसमें देखो सीधा सा है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह के अक्षर आते हैं, इस तरह की साउंड आती है। ये वह जाता है, तुम खाती हो। हम इन दोनों को बना के देखते हैं अभी आज। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह ही जाता है। हम क्या करेंगे इसमें? गो माने जाना होता है, गो मीन्स, सिर्फ इसमें ई एस लगाना है हमको, एस या ई एस। और मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी बातें आपको आएंगी तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश आप कम चीज़ों को अपने पास रखते हुए भी बोलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस इंग्लिश को अपनी को आप बहुत अच्छी बना लेंगे। ही गोज, वह जाता है, तुम खाती हो, यू, अब देखो इसको मैं करूँगा यू ईट, इसमें एस या एस नहीं लगाया मैंने, तुम प्लूरल माना जाता है इंग्लिश में, और
ही सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस लगा देना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ध्यान रखो सिंगुलर में एस लगाना है, कुछ खास वर्ड्स हैं उनमें ईएस लगाना है ना, बाकी में जो प्लूरल हैं उनमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाना। प्लूरल है यू, यू को प्लूरल माना जाता है, बेशक आप हम कहें कि तुम यार मैं मेरे लिए कह रहे हो, मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन जो इंग्लिश में कुछ हैं चीज़ें उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो यू ईट, ये बन गया, सिंपल सा है। अब ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करो, बोलो फास्ट बोलो अपने आप, ही गोज, ही ड्राइव्स, ही ईट्स, है इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओ, बोलो अपने फ्रेंड से या अपने आप में। और एक टाइमर ले लो, कोई टाइमर ले लो, मोबाइल में होगा आपका, उसमें आप लगा दो 60 सेकेंड का, ठीक है। और ये सेंटेंस ले लिया आपने, सपोज करो आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करो, आप सिर्फ एक प्रैक्टिस करो, फिर देखो, फिर मुझे बताना। हालांकि ये एक शुरुआत है, एक छोटी चीज़ है, छोटी इकाई पे बात कर रहे हैं आज हम, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये ध्यान रखना। 60 सेकेंड का टाइमर लगा के फिर ये चेक करो कि आप इस तरह के सेंटेंस कितने बोल सकते हो तुरंत, इमेजिन उनको। पहले अब तक आप क्या करते हो, पहले हिंदी लिखते हो या सोचते हो, अब सीधा इंग्लिश सोचनी है आपको और सीधे इंग्लिश को बाहर निकालना है अंदर से, ठीक है। ही ड्राइव, सी सिंग, सी पुट्स, सी ईट, सी कट्स, ही ही गोज, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। और टाइम में आप चेक करो कि आपने साहब 20 बोले हैं या 15 बोले या शुरुआत में आपने 10 बोले, ये चेक करो, ये स्पीड जो है ना आपकी बढ़ती जाएगी। इस तरह से आपको खाली जुबान को खोलना है, बस अपनी जुबान जो आपकी लड़खड़ाती है ना अभी, जो आप शाही होते हैं वो हटा देना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इंग्लिश, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है, लेकिन यार इंग्लिश बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, वट एवर यू आर एंड वेयर एवर यू आर जस्ट वर्किंग, इट्स ऑल अराउंड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के बिना मज़ा नहीं आता, बोलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बोलनी तो पड़ेगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, म्यूजिशियन, जो भी बनना चाहते हो, इंग्लिश ज़रूरी है। If someone says you that I don't speak English and I'm the very much successful person in my life, so how can you say that without English nothing is possible? वो उसकी बात है, ठीक है, वो हो गया, लेकिन कहीं कोई एक जगह ऐसी होती है, एक बात ऐसी आती है, उस पर खूब पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, कहीं तो उसको मुँह की खानी पड़ती है, फिर मज़ा नहीं आता। ऐसे बनो कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाए, इंग्लिश अगर आपको आती है आप बूस्ट कर जाएंगे, कहीं भी आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी ऑफिस में घुस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक जो अभी आपको बताना हूँ, आपके माँ बाप आप पे कितना पैसा खर्च करते हैं, दे आर स्पेंडिंग ऑन यू लैक्स एंड लैक्स, दे आर प्रोवाइडिंग यू डिग्रीज, डिप्लोमाज, बट इफ़ यू गो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, रिजल्ट क्या होता है, आपको नहीं रखा जाता, या फिर रखा जाता है ऐसी जॉब मिलती है जो आप नहीं चाहते, शुरुआत वहाँ से करनी पड़ेगी। हाँ, एक होता है कि यार ये वाली जॉब मुझे नहीं चाहिए, कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप आइए बताइए क्या सैलरी चाहिए, नहीं यार ये जच नहीं रही मेरे को, मैं दूसरी करूँगा। एक होता है कि कोई भी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, तो आप कौन से वाला बनना चाहेंगे, कंपनी खुद ऑफर करे, वो आपसे कहें कि आपको क्या चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए जो एक इंटरव्यू वाला पार्ट होता है ना, उसको ना आपने कर देना है, बस ये समझ लो। आपके माँ बाप ने लाखों खर्च किए हैं, आपने अपने उम्र के 20 साल 25 साल अपनी पढ़ाई में लगाए होते हैं, मैथ्स आपका बहुत अच्छा होता है, साइंस आपकी बहुत अच्छी होती है, बस सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से आप मात खा जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे, हमारे साथी हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो कहीं जाते हैं इंग्लिश की वजह से उनको मुँह की खानी पड़ती है, विदेश जाने का टूर बना रहे हैं और इंग्लिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं थोड़ा
कमी कर रहा हूँ। एक तो आपको टेस्ट दिया है मैंने, और ये कुछ मैंने प्रेजेंट के टेंस दिए हैं, सेंटेंस बनाने को बोले हैं आपको। इसमें से 20, 30, 50, 100 जितने भी चारों तरफ से सोच के आप बना सकते हो वो बनाओ। पहले कागज़ पे लिखो, 50 लिखो इस तरह के ही। उसमें कोई भी बात ना रहे जो कोई आपसे पूछ सकता है या आप किसी से पूछ सकते हो, वो सब उसमें नोट डाउन कर लो। और फिर उनको टाइमर लगा के स्पीड में बोल दो, आज का पहला चैप्टर आपका यही है। ओके, अभी मैं आपको गुड नाइट ही कहूँगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं उससे पहले जब विदा हो रहे हैं, तो गुड नाइट ही है मेरे लिए तो ये। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जस्ट टेक केयर।